मुजफ्फरनगर में बवाल पर एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 500 से 700 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में बीती रात उपद्रव हो गया। दरअसल एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद लोग सड़कों पर आ गए। हमारे साथ मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह जी हैं। सर, ये पूरा मामला क्या था, क्या क्यों इतना बवाल हो गया? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बढ़ाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसकी सूचना जैसे ही मिली तो 15 से 20 मिनट के अंतर्गत ही उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। परंतु किसी ने ये अफवाह फैला दी कि उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके चलते 500-700 लोग रोड पर आ गए। उनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया। परंतु इस प्रकार की अफवाह जिसने फैलाई है, उसके लिए हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो भी लोग सड़कों पर आए, जिन्होंने मार्ग अवरुद्ध किया और विधिक कार्रवाई होने के बावजूद वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए और यहां पर आचार संहिता लागू है इस समय उपचुनाव की, उसका उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सर, जैसा आपने बताया, महज 15 से 20 मिनट में आरोपी गिरफ्तार हो गया था। उसके बाद भी सर, उसके घर पर भी, उसकी शॉप पर पथराव हुआ, कुछ लोग युवा वीडियो भी आ गए सर, वो पत्थरबाजी कर रहे, नारे लगा रहे। हाँ, इसकी भी सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि जब यहाँ से भीड़ वापस जा रही थी तो जो अभियुक्त है उसके दुकान का शटर बंद था। उस समय उस शटर पे कुछ लोगों ने कुछ पत्थर फेंके हैं। उसकी भी तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं, हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। उसमें एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सहयोगी सदस्य के साथ शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।